हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। है तो हमारे जो इलाके के अंदर जो संतों का आंदोलन हुआ और यह संतों का आंदोलन अंतिम था, देश आज़ाद होने से पहले, उससे पहले भी आंदोलन हुए थे 1818 के अंदर, जो अंग्रेज़ों और रजवाड़ों के बीच में जो समझौता हुआ, उस समझौते के तहत यहाँ के जो आदिवासी थे उनको टैक्स देने के लिए और जबरन मजदूरी करने के लिए कहा गया। तो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और आपका जो रजवाड़ों से अंग्रेज़ों का समझौता नहीं हुआ था 1818, उससे पहले जो आदिवासी लोग हैं जो आपका स्वायत्त थे, उनको किसी प्रकार की मजदूरी नहीं करनी होती थी, किसी प्रकार का उनका शोषण नहीं था, किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो आपका अंग्रेज़ों से जो रियासतों का समझौता हुआ 1818 में, उसके बाद उनको टैक्स देने को बाध्य किया गया, नंबर एक। दूसरा, जबरन मजदूरी को बाध्य किया गया। और तीसरी बात, उनको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, एट्रोसिटीज़ की गई। वो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे लोगों ने सबसे पहला, क्योंकि समझौते में आदिवासी नहीं था, इसलिए हमारे इलाके में जो पाल लेम्बरवाड़ा है वहाँ के आदिवासियों ने सबसे पहले अंग्रेज और आपका रजवाड़ों से डायलॉग किया 1824 में, यानी 1818 में समझौता किया और 1824 में डायलॉग किया। और उसमें आठ समझौते, आज शर्तों पर समझौता हुआ। और इसके बाद आपका जो उदयपुर का रियासत है, जिसको मेवाड़ रियासत कहते हैं, हमारे डूंगरपुर रियासत में ये आठ शर्तों का समझौता हुआ। इसके बाद में मेवाड़ रियासत के भी आदिवासियों ने 1881 का आंदोलन पालों के गमेतियों के नेतृत्व में हुआ, उसमें भी आपका समझौता हुआ। उसमें मेवाड़ रियासत है, उसने आदिवासियों को बहुत सारे प्रिविलेज दिए, यानी उनको मानने को बाध्य होना पड़ा। और इसके बाद में हमारा संतों का आंदोलन शुरू होता है, जिसमें संत सुरमाल महाराज, जो आपका सन 1868 के बाद से लगाकर 1898 तक उनका आंदोलन, भगत आंदोलन चलता है। और इसके बाद में संत गोविंद गुरु महाराज का भगत आंदोलन चलता है। ये दोनों आंदोलनों की वजह से हमारे इलाके के अंदर आपका रियासतें और आपका अंग्रेज़ों ने मिल करके तीन बड़े नरसंहार किए। एक मानगढ़ का 1919 में, है ना, आप लोग जानते ही है, 1913 में आपका मानगढ़ का जो नरसंहार हुआ। इसके बाद में आपका पाल चितरिया में जो नरसंहार हुआ, और इसके बाद में भूला वालोरिया में, और इसके बाद में आपने ये बोल दिया था खाली हमको खुशखबरी दिया, क्योंकि वो चीज़ है हमको पहले तो पता लगा, तो इतना बड़ा समाज है उसके बीच में हम लोगों को बोल देना चाहिए, हमने बोल दिया है ना कि भाई रजिस्ट्रेशन अपना लेटर अपने पास में जानकारी में आ चुका है ना, अब लेटर एक दो दिन में आ जाएगा, जानकारी हमारे में हो गया भाई लेटर निकल गया तो आ जाएगा जी। आज मानगढ़ से आपने नया संकल्प क्या लिया है जो आगामी साल में? मेरा तो कल बर्थडे है ना, कल मेरा जन्मदिन है, कल मैं 49 साल का पूरा हो जाऊँगा, 50वां जन्मदिन है। मैंने आदिवासी परिवार विजन बुक लिखी किताब 2018 में, जून 2018 में, उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, है ना। तो मेरा एक साल अब ये जो बेरोजगारों के लिए जो काम करना था वो हो चुका है। अब हम लोग बहुत सारे काम, जैसे हमारे विद्यार्थी है वो, उनको कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम एक ऐसा स्कूल खड़ा करना चाहते हैं हमारे इलाके में कि हमारे बच्चों को कोचिंग के लिए जयपुर नहीं जाना पड़े, हमारे बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा ना जाना पड़े, तो हम एक ऐसा स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ा करना चाहते हैं, नंबर एक। नंबर दो है, हम लोग हमारे बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बढ़िया गेम्स का भी प्लानिंग कर रहे हैं, गेम्स एकेडमी की बात कर रहे हैं, हमारा जो ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जो हमने बात किया, ऑर्गेनिक फूड की बात किया, बहुत सारे विषय वो सब उसमें लिखे हैं। हमारे किसान क्या करेंगे, हमारे मजदूर क्या करेंगे, है ना, और हमारे जो शिक्षक हैं वो क्या करेंगे, शिक्षकों के लिए भी हम लोगों ने संगठन बना दिया, उसका शिक्षा स्वास्थ्य और आपका जैव विविधता पर बोलना है। तो अब शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो अब मेरे बोलने के बाद अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जैव विविधता पर बोलना रह गया, अब उस पर मैं बोलूँगा। दूसरा, आपने कहा मन से कि महिलाओं को उपवास नहीं रखना चाहिए, क्या रहे? अरे यार कमाल कर रहे, उपवास नहीं रखना चाहिए तो पूरी दुनिया के अंदर उपवास रखता कौन है ना, कौन रखता है? क्या कोई जीव दूसरा उपवास रखता है? क्या अन्य धर्म के लोग हैं वो उपवास रखते हैं? उपवास जी ऐसा ऐसे टाइम में रख रहे हैं, मैंने कहा था कि जुलाई से अक्टूबर इस टाइम में सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल में आते हैं, आदिवासी बेल्ट में घूम जाइए तो सबसे ज़्यादा बच्चे जब स्कूल आते उसी टाइम उपवास है, 118 दिन के उपवास है, 4 महीनों में 118।
उपवास, आपका कर्मकांड, ये आपका त्यौहार इस तरीके का मिला, 118 दिन होता है, वो भी इस किताब में हमने मेंशन किया। तो 118 दिन बच्चा उस उपवासों में, उस कर्मकांडों में व्यस्त रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा कब? सोमवार को देख लीजिए, सोमवार को कितने बच्चे स्कूल आते हैं? स्कूल के बजाय बच्चे तो चले जाते हैं आपका मंदिर में। और एक इम्पोर्टेंट बात कहूँ, हम लोग बच्चे को आपका अनुशासन सिखाते हैं, है ना, वहाँ हेडमास्टर भी होता है, वहाँ टीचर भी होता है, वहाँ उनके बड़े भाई भी होता है, मंदिर में क्या सिखाते हैं? वहाँ कौन हेडमास्टर? आज हमारे आदिवासी बच्चे बहुत सारी संख्या में कम उम्र के अंदर, मेरा अपना इलाके की बात करें तो हमारे एक पंचायत है उसके अंदर 4 बच्चे पिछले 2 साल में आपका फांसी खा चुके हैं, पहले फांसी नहीं खाते थे, और 2 9th क्लास के बच्चे हैं वो नौकरी चले गए, ये पहले नहीं होता था। तो कैसे हो रहा है वो, ये चीज़ें बच्चों के तक कैसे पहुंची? हमारा महिलाएं हैं ना 20-25 साल के पहले कभी शादी नहीं होती थी, आज 9th का बच्चा भाग रहा है, कैसे हुआ वो शिक्षा कहाँ से मिली? आज आप देख लीजिए, मनसा व्रत का बात करते हैं, मनसा व्रत का मतलब क्या होता है आप लोग समझ लीजिए, है ना, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है ही नहीं। मैं जिस भगत परंपरा से आया हूँ, संत गोविंद गुरु महाराज की भगत परंपरा में बीज पूर्णिमा, बीज यानी आपका अमावस्या, पूर्णिमा और ग्यारस के अलावा कोई व्रत करने का नहीं, इसको आधार मान के हम बोलते हैं।